तो तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आपके अफगानिस्तान में अपने देश की बात पेट्रोल 50 रुपए है वहाँ। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते हुए कीमत से जनता परेशान है। वहीं अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक भाजपा के नेता का बेतुका बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश के भाजपा नेता राम रतन पायल ने कहा कि अगर आपको पेट्रोल डीजल सस्ता चाहिए तो तालिबान शासित अफगानिस्तान चले जाइए, वहाँ सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कटनी के भाजपा जिलाध्यक्ष राम रतन पायल से जब पत्रकारों ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि तालिबान वाले अफगानिस्तान चले जाओ, वहाँ पेट्रोल सिर्फ 50 रुपये है, वहाँ से भरवा के ले आओ, वहाँ भरवाने वाला कोई नहीं है। भाजपा नेता पायल ने पत्रकारों पर भड़कते हुए कहा कि देश में कोरोना की 2 लहर आ चुकी है, तीसरी लहर आने वाली है, देश किस हालत से गुजर रहा है आपको पता है, आप लोग को सिर्फ पेट्रोल डीजल की ही पड़ी हुई है इस समय, जबकि मोदी जी देश को कोरोना से बचाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। तो तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आपके अफगानिस्तान में अपने देश की बात पेट्रोल 50 रुपए है वहाँ, वहाँ भरवा के लाओ, वहाँ भरवाने वाला कोई नहीं है। अपने 111 पर ऊपर बैठे तो है, कम से कम कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, दो लहर आ चुकी है। आप बताइए, आप सम्माननीय पत्रकार है, आप पेट्रोल की बात कर रहे हो, किस देश किस हालत से देश गुजर रहा है आपको मालूम है इस चीज का जो है, कैसे मोदी जी ने इसको संभाल के रखा हुआ है। आज भी 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, आप सोचिए कोई दे सकता है क्या? कोरोना की तीसरी लहर भी दिया नवंबर तक, इस बार भी नवंबर तक कोरोना की तीसरी लहर आने का अंदेशा है, उसके बावजूद भीड़ लोग लेके चलते हैं। नहीं, भीड़ देखिए अपनी गलती है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो चाहे वो आम आदमी हो। माननीय गुप्ता जी पत्रकार है आप और आप समझदार हैं, मैं मानता हूं कि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। आपको हम यहां जानकारी दे दें कि देश में पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की कीमतें देश के अधिकांश शहरों में 100 रुपये प्रति लीटर से भी पार पहुंच चुकी है, जबकि डीजल की कीमतें देश भर के अधिकांश राज्यों में लगभग 90 रुपये तक पहुँच चुकी है। मगर राजनेताओं के ऐसे विवादित बयान कितना सही है या गलत है ये हम आप पर छोड़ते हैं। और अधिक खबरों के लिए लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सब जानते हैं कि इन दिनों देश भर में कोविड 19 का माहौल है, लगातार देश में कोविड 19 के नए नए मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में आवश्यकता है कि आप मास्क पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर से बाहर तब जाएं जब कोई बेहद आवश्यक काम हो, तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.